महा कार्टून टीवी खूनी टाइपराइटर। एक बार की बात है, बहुत ही मशहूर राइटर नीलेश खन्ना किसी कारण मुंबई से शिफ्ट होकर दिल्ली आ गए। वो अपनी भूतिया कहानियों के लिए ही जाने जाते थे। उन्हें हमेशा से एक सच्ची घटना की तलाश रहती थी जिस पर वो कहानी लिख सके। पर इस बार शिफ्ट होने की वजह से नीलेश अपना टाइपराइटर लाना भूल गए थे। अब उन्हें नए टाइपराइटर की तलाश थी, जिसके लिए वो दुकान दुकान घूमने लगे। बहुत सारी दुकानें देखने के बाद उन्हें एक पुरानी सी दुकान मिली, जहां उन्हें अपने अलावा और कोई ग्राहक नहीं मिला। ये देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई, जिसके बाद उन्होंने उस दुकान के अंदर बैठे उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा क्या यहाँ कोई आता नहीं? नहीं बेटा, ये दुकान बहुत ही पुरानी हो चुकी है और आजकल कोई पुरानी चीजें खरीदता भी नहीं, जिसकी वजह से यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता। और मैं भी इस दुकान को अब बेचकर अपना बुढ़ापा चैन से जीना चाहता हूँ। ये बात सुनकर नीलेश को उस बूढ़े आदमी पर तरस आ गया, पर अब वो करे भी तो क्या करे। वही अपनी दुकान पर इतने दिनों बाद किसी ग्राहक को देखकर दुकानदार ने पूछा, बेटा क्या खरीदना चाहते हो? बाबा मुझे एक टाइपराइटर की तलाश है, क्या मुझे एक अच्छा टाइपराइटर मिल जाएगा? मैं इतनी दुकानें देख चुका हूँ पर मुझे कहीं भी मेरे पसंद का टाइपराइटर नहीं मिला। बेटा इस जमाने में अब कौन टाइपराइटर से लिखता है, आजकल तो कंप्यूटर से ही सारे काम हो जाते हैं। बाबा आपका कहना ठीक है, पर मैं एक राइटर हूँ, मुझे कहानियाँ टाइपराइटर से ही लिखना पसंद है। यहाँ शिफ्ट हुए असल में मुझे कुछ ही दिन हुए हैं और मैं अपना टाइपराइटर अपने साथ लाना भूल गया हूँ, तभी मैंने सोचा कि टाइपराइटर खरीद लूँ। अगर बाबा आपके पास कोई अच्छा सा टाइपराइटर है तो दिखाइए। हाँ बेटा अभी दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ आओ। हाँ बाबा। दुकानदार और नीलेश दुकान के पीछे वाले स्टोर में गए। स्टोर में जाते ही नीलेश ने देखा कि बहुत सारी पुरानी चीजें वहाँ पर रखी हुई हैं, कि तभी अचानक से उसकी नज़र एक टाइपराइटर पर पड़ी जो बिल्कुल ही अलग था। उसकी हालत दिखने में भी खराब थी। बाबा आप मुझे ये वाला टाइपराइटर दे दो। बेटा इस टाइपराइटर को मत खरीदो, ये ट्रैफिक टाइपराइटर है, ये जिसके पास भी जाता है उसकी मौत तय हो जाती है। अरे बाबा आप अभी भी ऐसी बातों पर विश्वास रखते हो? ये श्राप, ये भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब वहम की बातें हैं। अब आप बस मुझे ये टाइपराइटर दे दीजिए। मेरी बात मानो बेटा, इसे रहने दो और कोई टाइपराइटर खरीद लो। आप चिंता ना करें बाबा, कुछ नहीं होगा, आप बस ये बताइए कि कितने हुए इस टाइपराइटर के। ठीक है बेटा, तुम्हारी जो मर्जी, पर मैं इस टाइपराइटर की कीमत नहीं लूंगा, तुम इसे ऐसे ही ले जा सकते हो। बाबा देखिए मैं समझ सकता हूँ और आपकी हालत भी देख रहा हूँ, आप ये लीजिए 1000 रुपए और इससे अपनी दुकान की मरम्मत करवाइए। बेटा मैं नहीं रख सकता। नीलेश ने जबरदस्ती पैसे दुकानदार को दिए और वहाँ से फिर मिलेंगे बाबा ये कहकर निकल गया। नीलेश को अब अपना मनपसंद टाइपराइटर मिल चुका था और वो उसको पाकर बहुत ही खुश था। आज टाइपराइटर की तलाश में मैं बहुत थक गया हूँ, चलो पहले आराम कर लिया जाए। नीलेश काफी थका हुआ था, इसीलिए उसकी आँख जल्द ही लग गई। वही तकरीबन रात के 3 बजे नीलेश के घर में अचानक अजीब सी घटना होने लगी। तभी नीलेश को जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो अचानक से उठ गया। आवाज सुनकर नीलेश बाहर की तरफ गया, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद उसने खुद से कहा, लगता है ये मेरा वहम है, चलो कोई नहीं मैं जाकर सो जाता हूँ, वैसे भी कल बहुत काम है। अगली सुबह उठने के बाद
नीलेश सब्जियां खरीदने के लिए निकल गया कि तभी उसने देखा कि घर के दरवाजे पर कुछ ऐसे निशान थे कि जैसे किसी ने दरवाजे को जोर जोर से पीटा हो। नीलेश काफी हैरान हुआ, पर उसे बाजार जाने में देरी हो रही थी तो वो निकल गया कि तभी रास्ते में जाते हुए उसने सोचा, क्यों ना बाबा से मिला जाए। यही सोचकर वो दुकान की ओर गया, लेकिन दुकान को इस समय बंद देख उसे हैरानी हुई, जिसके बाद उसने वहाँ से गुजर रहे एक आदमी से पूछा, ये आज बाबा की दुकान बंद क्यों है? क्या आप मिश्रा जी के बेटे हो? नहीं तो, पर उनका हालचाल पूछने आया था। उनकी तो कल शाम मौत हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो कल ही उनसे मिलकर गया था। अरे भाई, किसी को पता नहीं होता है, ये सब तो उस मालिक की मर्जी होती है। वैसे भी वो बहुत बूढ़े हो गए थे, तो ऊपर वाले ने उन्हें अपने पास बुला लिया। यूं अचानक हुई मौत से नीलेश बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया, जिसके बाद वो घर आया और सोच में डूबकर खुद से कहने लगा, मुझे लगता है कि मुझे एक कहानी लिखनी चाहिए, शायद मेरा ध्यान कहीं और लग जाए। यही सोचकर नीलेश कहानी लिखने लगा। उसे लिखते लिखते काफी समय हो गया, तभी अचानक से उसके कमरे की लाइट जलने और बंद होने लगी। फिर भी नीलेश ने लिखना जारी रखा। लिखते लिखते नीलेश को नींद आ गई। आंख लगते ही उसको सपने में एक औरत दिखाई दी, जो कि बहुत डरावनी थी और नीलेश को मारना चाहती थी। ये देखकर डर के मारे नीलेश की आंख एकदम से खुल गई। मुझे लगता है इस घर में कुछ तो अजीब है। ये सोचकर नीलेश एक तांत्रिक से मिलने गया और उसने खुद के साथ घट रही घटनाओं के बारे में बताया। बाबा, मेरे घर में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। इन सब का क्या मतलब है? बच्चे, तुम्हारे घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। मुझे तुम्हारे घर में पूजा करनी होगी और घर भी शुद्ध करना पड़ेगा। मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, तब तक के लिए तुम इस लॉकेट को पहन लो। इसे पहनने के बाद वो बुरी आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जी बाबा। अगले ही दिन तांत्रिक नीलेश के घर आया, जिसके बाद घर में घुसते ही तांत्रिक को वहाँ किसी बुरी आत्मा के होने का एहसास हो गया। आत्मा की उपस्थिति के बारे में जानकर तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद घर में बसी हुई चुड़ैल को सामने आना ही पड़ा। ए तांत्रिक, तू यहाँ क्यों आया है? चला जा यहाँ से, चला जा, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तू चुप कर चुड़ैल, और सीधे सीधे बता, क्यों तंग कर रही है नीलेश को? क्या बिगाड़ा है इसने तेरा? इसने मुझे तंग किया है और यही मुझे यहाँ लेकर आया है। पर मैं कब तुम्हें लेकर आया? तुम मेरा टाइपराइटर यहाँ लेकर आए हो, इसीलिए मुझे आना पड़ा। उस बाबा के बार बार मना करने पर भी ये जबरदस्ती उस टाइपराइटर को यहाँ ले आया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। क्या चाहती है तू? मैं नीलेश को मारना चाहती हूँ। पर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सीधे सीधे बता दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। उस दुकानदार के मना करने के बाद भी नीलेश ने टाइपराइटर खरीदने की जिद की, इसीलिए मैंने उसी शाम उस दुकानदार को भी मार डाला। मुझे मर्दों से नफरत है, वो औरत का दर्द कभी नहीं समझ सकते। आगे बता, तू ऐसा क्यों कर रही है? मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। मेरे पति मुझ पर बहुत अत्याचार करते थे। मैंने सोचा इन सब बातों का मुझ पर कोई असर ना पड़े, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया, जिसके बाद मैंने अपना टाइपराइटर निकाला और लिखना शुरू कर दिया। मुझे अब लिखना बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन एक दिन मेरे पति को मेरे लिखने के बारे में पता चल गया और उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरी मृत्यु हो गई। उस दिन से मुझे हर मर्द से नफरत हो गई। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर इसमें नीलेश की कोई गलती नहीं है, इसे तू छोड़ दे। एकदम से चुड़ैल वहाँ से बिना जवाब दिए गायब हो गई।
नीलेश, इस टाइपराइटर में उस चुड़ैल की आत्मा बसी हुई है और ये बहुत ही ताकतवर है। तुम्हें इस टाइपराइटर को कहीं सुनसान जंगल में गाड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हें इससे छुटकारा मिलेगा। तांत्रिक की बात सुनकर नीलेश उस टाइपराइटर को तांत्रिक के साथ मिलकर जंगल में गाड़ने चला गया, जहां तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से उस टाइपराइटर को एक गड्ढे में हमेशा के लिए कैद कर दिया और इसी के साथ वो चुड़ैल भी हमेशा के लिए कैद हो गई। कई दिनों तक जब नीलेश के साथ कोई हादसा नहीं हुआ तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि चुड़ैल अब जा चुकी है, जिसके बाद वो फिर से अपने रोजाना के काम शांति के साथ करने लगा और अपनी कहानियाँ भी लिखने लगा। साथ ही उसने अपने साथ हुए इस हादसे को भी कहानी का रूप दे दिया, जिसका नाम उसने रखा खूनी टाइपराइटर। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।